Hey, what's up, guys? कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। वीडियो के थंबनेल से आकर्षित होके एंटरटेन होने आए हो तो एंटरटेनमेंट जरूर मिलेगा, बस जाने से पहले सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के जाना। तो कैसी चल रही है आप सबकी जिंदगी चूतड़ फाड़ देने वाली गर्मी में? गर्मी तो फिर भी ठीक है, लेकिन कैसा हो जब पूरी बॉडी से पसीने और कान से आपके खून निकले? ये क्या बात करता है यार। जी हाँ, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक मैंने इसको नहीं सुना था। And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop, I know I can treat you better. ये क्या है? मेरा भी पहला रिएक्शन यही था, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है ये क्यों है और ये क्या है? ये है हमारे कलयुग के तानसेन दर्शन भाई, जो कवर सॉन्ग बनाते हैं और किस झाट लेवल का कवर करते हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। ये तो टट्टी है। मत गाओ भाई, हम सब आपकी सिंगिंग से टूट चुके हैं। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पैदा होने पे नर्स खुद रोई होगी। माना कि आपके अंदर बहुत हिडन टैलेंट है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसको हिडन ही रखो, हमें सुनाने की जरूरत नहीं है। I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Re Kabira maane ja. Re Fakira yun na ja. ऐसे तो बिल्कुल नहीं मानेगा कबीरा। कबीरा और फकीरा दोनों ने अगर इसका गाना सुन लिया ना, तो सही कह रहा हूँ, फूट पीट के रख देंगे इसकी। कुछ खास टैलेंट का तो पता नहीं, लेकिन ग्रीन स्क्रीन के साथ गानों की भी गांड मार लेते हैं हमारे दर्शन भाई। आओ आगे सुनते हैं, सॉरी झेलते हैं। एक काम किया कर भाई, तू रील्स मत बनाया कर, सीधा ऑडियंस के कान में जलता हुआ लावा डाल दिया कर, काम तुरंत खत्म हो जाएगा, इसकी आवाज से तो बचेंगे। जरा फेस देखो इसका, इतना ग्रीन हो रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर का हल्क अभी बाहर आके चिल्लाना शुरू कर देगा। दुख देख रहे हो भाई की सिंगिंग में, अरिजीत सिंह को भी रुला देगा ये, इतना टैलेंट है इसके अंदर। मैं बस उसको ढूंढना चाह रहा हूँ जिसने ये सोचा होगा कि ये लोडू भी गा सकता है। क्या चाहता है, किस मकसद से आया है इस धरती पर कि हजारों लोगों को रोज पछतावा हो इंस्टाग्राम चला के तेरी रील देखने का? कंट्रोल कंट्रोल उदय, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। ये देख लो दिलजीत का टपकाया हुआ वीर है। तू मुंबई आ सकता है या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिलजीत जरूर ढूंढ रहा है इसे। अभी से थक गए, देख लो अभी तो आगे और भी है टॉर्चर। It's been a long day without you my friend, and I tell you all about it when I see you again. We come a long way from where we began. Oh,
बुरा गाता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यह हिंदी पंजाबी के साथ साथ इंग्लिश गानों की भी गांड मारता है, और वो भी पूरा कॉन्फिडेंस से। अगर इसका आधा कॉन्फिडेंस भी तुम में आ जाए ना, तो दुनिया फतेह कर लो तुम। इमोशनल डैमेज जस्ट लाइक मेरे मन में ख्याल आया था कि अगर इस आड़ू की शादी इससे करा दी जाए तो घर में क्या माहौल होगा। दोनों गा गा के पूरे मोहल्ले के शीशे तोड़ देंगे और मोहल्ले वाले गांड फटी में मोहल्ला छोड़ के भाग रहे होंगे। आया था भाई दिल में करार और दिल में प्यार दोनों आया था, लेकिन तेरा गाना सुनने के बाद दिल में सिर्फ दरार आई है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस रॉकस्टार का कॉन्सर्ट अटेंड करना है और उसके बाद घर आके आराम से दो सल्फास की गोली खा के सो जाना है, क्योंकि जिंदा तो मैं वैसे भी नहीं रहूंगा इसको लाइव कॉन्सर्ट में सुनने के बाद। कान में गरम तेल डालने गई है और इस आवाज में गाने सुनाएगा तो कौन सा रुक कर गाल पे किस देगी वो। इसी के साथ आपको इस दर्द से फ्री करते हैं। वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और नेक्स्ट टॉपिक इंस्टाग्राम DM पे मुझे बताओ। और हाँ, इस इंडियन जस्टिन बीबर से और आपसे यही उम्मीद है कि ऑफेंड मत होना, सिर्फ मजाक ही है ये, कोई पर्सनल हेट नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सुनिए इस बेसुरे को लगातार कंटिन्यू लूप में 1 घंटा। चुप हो जा सीढ़ी के।